तो यार जैसे कि एक महीने पहले एक चीज ट्रेंड पर फैली थी कि जो एलिमिनेशन है वो एंडिंग सॉन्ग के हिसाब से होंगे, तो कहीं ना कहीं वो सच होती हुई दिख रही है। तुम लोग गौर करना, यूनिवर्स 11 के एंडिंग सॉन्ग में है सिर्फ टोपो, डेस्पो और जिरिन, और वही लोग आखिरी तक अभी टिके हुए हैं। और एंडिंग सॉन्ग में रहता है क्रिलिन जो कि निकल चुका है, और उसके बाद है टीएन जो कि कल निकल चुका, और उसके बाद है वेजिटा। तो क्या वेजिटा टीएन के बाद जाएगा? मेरे हिसाब से हाँ भी और ना भी, क्योंकि जिस हिसाब अभी मास्टर रोशी की हालत है मुझे नहीं लगता कि वो एंड्रॉइड 18 और 17 के बाद निकलेगा, और वेजिटा अभी तक उतना थका नहीं है। पर एक तरफ से बोलूं तो एपिसोड की हाइप बढ़ाने के लिए कि अबे वेजिटा तो निकल चुका, क्या होगा अब, तो हाँ एक झटका देने के लिए हो सकता है कि वो वेजिटा को निकाले। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वेजिटा का कोई न्यू फॉर्म नहीं आएगा, उसका ब्लू फॉर्म परफेक्ट हो चुका है। तो आने वाले एपिसोड में मास्टर रोशी की हालत थोड़ी खस्ता दिखाई गई है, तो यही पॉइंट है जिससे मुझे नहीं लगता कि वेजिटा थर्ड पर जाएगा। पर जिस हिसाब से मैंने डेस्पो, जिरन और टोपो का बताया, और अभी निकले हैं क्रिलिन और टीएन, तो उसके हिसाब से लग रहा है हाँ कि चांसेस है निकलने के। तो अगले एपिसोड में मास्टर रोशी वापस से मफूबा यूज करेगा, और पीछे से गोकू बोलता है कि वापस से यूज मत करो। तो वापस से यूज ना करो, इसका सीधा मतलब यही है कि ज्यादा मफूबा यूज करने से मास्टर रोशी मर भी सकता है। तो एपिसोड 105 में भी जैसे कि तुमने देखा, लास्ट में मास्टर रोशी ने कमाल कर दिया था, पर वही कमाल के चक्कर में उसकी आधी जान निकल जाती है, और जैसे ही वो गिरता है उधर से ही ऊपर से क्रिलिन कूदने लगता है, और उसकी मजबूरी थी कि वो वहाँ जा नहीं सका, और फिर उसने वहाँ से गोकू को आवाज दी, और गोकू तुरंत भागते भागते जाता है, और लास्ट में वो भी उम्मीद छोड़ देता है। फिर अचानक क्या पता मास्टर रोशी कैसे जिंदा हो जाता है। तुम लोग एक बात मानो या ना मानो, अगर वो दिन मास्टर रोशी की जान चले जाती ना भाई, गोकू को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो जाती ना, तो फिर जिरन टोपो उसके सामने कुछ नहीं होते, इतना पागल हो जाता वो। क्योंकि मास्टर रोशी ही एक ऐसा बंदा है जिसने गोकू को शादी होते तक संभाला, और गोकू को भी मास्टर रोशी की बहुत कदर है। पर सपोज जिस हिसाब से मास्टर रोशी की हालत दिखाई जा रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा, अगर मास्टर रोशी टूर्नामेंट ऑफ पावर में मर गया, और हाँ उसके मरने के चांसेस हैं क्योंकि वो मफूबा ज्यादा यूज कर रहा है जिससे जान जाने का खतरा बन जाता है, अगर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में किसी से फाइट करते करते मर गया, फिर सोचो गोकू का क्या रिएक्शन होगा। कहीं इसी वजह से तो गोकू का नया फॉर्म नहीं आ रहा। एपिसोड 107 में डेथ ऑफ मास्टर रोशी और एपिसोड 108 में गोकू का नया फॉर्म। हे जस्ट किडिंग, हाँ बस मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये ना तो कोई थियरी है ना तो कोई कंफर्मेशन है। और जैसे कि गोकू के न्यू फॉर्म में उसके सारे कपड़े फटे हैं, और बीच में खबर आई थी समथिंग टेरिबल, तो क्या पता शायद वो इसका भी हिंट देती है, वरना गोकू के कपड़े फटने मतलब तुम खुद समझ लो कितनी सीरियस सिचुएशन होगी, और अपना गोकू इतने जल्दी सीरियस भी नहीं होता है। और जहाँ तक बात है न्यू फॉर्म की, मेरा इस पे यही कहना है कि जिरन इतना भी खूंखार और विलेन टाइप का नहीं होगा कि वो गोकू को नया फॉर्म लाने के लिए मजबूर कर दे, वो भी सिर्फ एक फाइट के लिए। गोकू का नया फॉर्म आएगा, आने वाला है। देखो जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फाइट करने के लिए गोकू जिरन के सामने नया फॉर्म लाएगा। अगर गोकू को नया फॉर्म लाना ही है तो भाई जा सीधा नया फॉर्म अभी ला देना, जाके खेल जिरन के साथ। पर जैसे कि हम सब जानते हैं, नया फॉर्म तब आता है जब सिचुएशन हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, जैसे कि सुपर सेन 1 के टाइम में और 3, और यहाँ तो पोस्टर में उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। मतलब नया फॉर्म आया है पर सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी होगी वो टाइम जब गोकू का नया फॉर्म आएगा। देखो यहाँ दो बात हो सकती है, या तो ऐसा हो कि यूनिवर्स इरेज होने के खौफ में गोकू का नया फॉर्म आए, या तो किसी के मरने पर। ऐसे ही बिना वजह तो नहीं आएगा कि चल अब बारी आ गई है जिरन से लड़ने की, ले ट्रांसफॉर्म हुआ टेंडन, तो वैसा बिल्कुल होने नहीं वाला। और देखो अगर मैं सीधा बोलूं तो जहां तक बात है एलिमिनेशन की, उस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक मैसेज है सबको, कोई कभी भी निकले, थर्ड पर निकले या लास्ट में निकले, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। धीरे धीरे तो यार वैसे भी सबको निकलना है, यहाँ सब लोग पिकनिक बनाने तो आए नहीं है। अगर वेजिटा तीसरे नंबर पर भी निकल जाता है तो ठीक है निकल गया, क्या कर सकते हैं, नहीं निकला तो ठीक है नहीं निकला, खेल तो सब अच्छा रहे है ना। कोई भी अपने टीम में ऐसा नहीं है जो बस गले में लटकने का काम कर रहा है। आज टीएन भी निकला, वो भी निकलते निकलते पर एक को तो लेके गया। अगर वेजिटा भी तीसरे नंबर पर निकलता है कोई दुख की बात नहीं है यार, बंदे ने पर अच्छा खेला ना यार। सबसे ज्यादा वेजिटा ने एलिमिनेट किया है अपोनेंट्स को गोकू से ज्यादा, तो अब वो लोग कौन सा ही खेल रहा है, गोकू या वेजिटा। बस हाँ जो एक न्यू फॉर्म की उम्मीद थी यार वो अधूरी सी रह गई है। और जो आजकल यूट्यूब पर कचरा फैला है, जेनो जमासू है, ये जमासू है, वो जमासू है, मोदी जमासू है, रामदेव जमासू है, ये लेफ्टी वो राइटी, अरे भाई मेरी मानो ऐसा
कुछ नहीं है, कोई जमासू नहीं है यार, विक्सर जमासू है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीक मालूम है मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था, बहुत मन होता था यार कि वीडियो डालूं, पर मैं सच्ची में ऐसा हूँ कि साल भर कुछ पढ़ता नहीं, बस एग्जाम से एक दिन पहले बुक उठाता हूँ और पढ़ने लगता हूँ, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बाकी 5 तारीख से तो यार सब नॉर्मल। तो हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। एम रखते हैं 2500 लाइक के लिए। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।